हेलो दोस्तों दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ माँ को लेके थोड़ा मेडिसिन लाने के लिए। मेडिसिन लेके आऊँगा और घर में जो है आज नाश्ता तो बना नहीं, तो हम लोग, मैं और मेरी माँ, हम लोग दोनों वहीं पर नाश्ता कर लेंगे और वहाँ से थोड़ा नाश्ता भी लेके आना है। तो रेडी तो हो चुका हूँ, देखता हूँ कि मेरी माँ रेडी हो चुकी है कि नहीं। और बाइक निकाल के अभी निकलता हूँ मैं। बैक साइड में देखिए, ये मेरी माँ आ रही है इधर और हम लोग दोनों अभी जा रहे हैं मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर से नाश्ता करके वहाँ से फिर रिटर्न घर। और अभी यहाँ से मेरी माँ नाश्ता करके इधर बैठी है आराम से। वहाँ से अभी मैं सीधा घर आ गया हूँ और घर में मूवी लगा के देख रहा था मैं। एक्चुअली मैं दोस्तों, अगर कुछ काम रहता है तभी निकलता हूँ घर से, क्योंकि देखिए बेवजह घर से निकल के जाने में क्या मतलब है। और जाता हूँ अभी, थोड़ा सा पानी उनी भर लेता हूँ, बोतल जो है बोतल खाली है। और मेरा मिसेस का मोबाइल पे मैं बैक कवर जो होता है फ़ोटो एडिट करके जो लगाते हैं, मेरे को बोली मेरा मिसेस की वाला लगा दीजिए, तो वो बैक कवर भी मैं लगाया हूँ मोबाइल पे। ये देखिए, और अभी जाके थोड़ा सा पानी भर लेता हूँ बोतल में। बोतल सब खाली पड़ा हुआ है घर में। तो बैक कवर कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करिएगा और कमेंट में मेरे को बताइए कैसा लग रहा है बैक कवर। मेरे को जब भी ज़रूरत होता है तो मैं क्या करता हूँ कि बोतल में पानी भर के ही रख देता हूँ। उसमें क्या होता है कि बार बार किचन में आने का टेंशन ही नहीं रहता है। आप बोतल डायरेक्ट ला के रख दो अपना बेडरूम पे, जब भी पानी का दरकार पड़े तो आराम से यूज करो। और आज का मौसम देखिए, आज का मौसम कैसा है। जो और इधर ये हम लोगों का इधर बागान कितना गंदा हो गया है। और घर में अभी क्या है कि दो ठो मुर्गी पाल के रखे हैं, तो अभिजीत क्या कर रहा है कि मुर्गी का सामने चेयर में आराम से बैठा है और मुर्गी को देख रहा है कि कहीं भाग ना जाए इधर उधर। और इधर मेरा बाल भी बहुत बढ़ गया है, मैं सैलून जाऊंगा बाल कटवाने के लिए, लेकिन क्योंकि आज सोमवार है उसीलिए मैं सैलून नहीं जाऊंगा। मैं अगर जाऊंगा भी तो मैं बुधवार को ही जाके हेयर कटिंग करवा लूंगा। बाल भी जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इधर मेरा पीछे देखिए अंकित बॉल पकड़ के खेल रहा है। तो बुधवार को ही जाके मैं अपना हेयर कटिंग करवा लूँगा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्ड्री तरफ जा रहा हूँ, जो कपड़ा वपड़ा जो है धोना था
मेरा भी शर्ट है और साड़ी उड़ी भी है, वो सब जाके लॉन्ड्री में जाके दे देता हूँ, क्योंकि देखिए लॉन्ड्री में कपड़ा अगर दे देंगे धोने के लिए या फिर आयरन करने के लिए, सब रेडी करके रख देने से क्या होता है कि अगर आप सडनली कहीं प्रोग्राम हुआ जाने का तो तुरंत निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। ये मैं अभी बाइक निकाला तो युवराज देखा और मैं भी जाऊंगा बोल के आ गया पीछे पीछे और बैठ गया बाइक में। देखिए कैसे खेल रहा है, क्या देखो है? तो आपने अभी जो वीडियो देखा, ये वीडियो में दो ठो लड़का जो है एक लड़की से पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे कि मैं अपना सिस्टर को एडमिट किया हूँ IGH हॉस्पिटल में और उसके लिए हम लोगों को पैसा का शॉर्टेज हो रहा है, तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए। मेरा पास भी आए और मेरे को भी बोल रहे थे कि पैसा के लिए बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा पैसा तो पकड़ा नहीं था दोस्तों, मैं 20-30 रुपया ही पकड़ा था, जिसमें कि मैं अभी दवा का माउथ फ्रेश लिया था, 10 ही रुपया बचा हुआ था। तो हालांकि मुझे पता चला कि ये लोगों झूठ बोल रहा है कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या किया कि 10 रुपया लोगों को निकाल के दे दिया। और इधर से जो स्कूटी में जो लड़की जा रही थी उसको रोके लोगों और उसका पैर पकड़े और बोले कि कुछ भी दे दो कुछ भी दे दो, बोल के जीत किए। और तो वो लड़की क्या की कि 100 रुपया लोगों को निकाल के दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैसा अगर देना चाहते हैं तो दोस्तों दो, मगर ऐसा आदमी को दो दो कि जिसको अब ज़रूरत है पैसा का, जैसे कि कोई बूढ़ा बूढ़ी हुआ या कोई दिव्यांग हो गया, ये लोगों को देना चाहिए। ये दोनों लड़का बोल रहे थे कि हम लोग आज़ाद बस्ती में रहते हैं, आज़ाद बस्ती यहीं सामने में ही है, 20 नंबर सेक्टर का सामने में। और मुझे इसलिए पता चला दोस्तों कि वो दोनों लड़का में से एक जो लड़का है वो दारू पिया हुआ था। तो अगर मान लीजिए कि कोई अपना फैमिली को हॉस्पिटल में ला के अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो दारू पी के तो नहीं ना जाएगा हॉस्पिटल।